JK24 से जुड़ चुकी हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शिल्पा शर्मा। पानी जो कि एक बेसिक नेसेसिटी होती है जीवन के लिए, यानी कि ये एक इंसान के लिए जो एक बेसिक नेसेसिटी है, खाना और पानी। और देखिए इस मोहल्ले में पानी जो है वो किस प्रकार से सप्लाई किया जा रहा है, कितना गंदा पानी जो है वो यहाँ पर सप्लाई किया जा रहा है। इस समय हम जम्मू के केनाल रोड ओल्ड यूनिवर्सिटी लेन वार्ड नंबर 19 में मौजूद है, जहाँ पर बेहद ही गंदा पानी जो है वो सप्लाई किया जा रहा है। और इस पानी की स्मेल की अगर मैं बात करूँ तो इसकी स्मेल जो है वो किसी नाले के पानी से कम नहीं है, यानी कि गंदा वेस्टेज पानी है वो यहाँ पर सप्लाई किया जा रहा है। और देखिए किस प्रकार से जो है वो लोगों की जिंदगी के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि पानी और खाना जो है वो एक बेसिक नेसेसिटी होती है। और यहाँ पर पानी जो है वो बेहद ही गंदा जो है वो सप्लाई किया जा रहा है। ये पानी आप देखिए, इसकी अगर आप स्मेल लेंगे, इस पानी की अगर आप स्मेल लेंगे तो स्मेल जो है वो किसी नाले के पानी से कम नहीं है, यानी कि इसकी स्मेल इतनी ज्यादा गंदी है। जब हमने इसकी स्मेल ली तो हम जो है यानी कि 2 मिनट तक मैं भी चौंक गई कि आखिरकार क्या पानी है, ये क्या पानी यहाँ पर जो है वो सप्लाई किया जा रहा है। क्योंकि इस पानी से खाना भी बनाना है, ये पानी पीना भी है, ये पानी आपके यानी कि आपकी बॉडी में भी ये पानी जाना है। और जब आपकी बॉडी पे ये पानी जाएगा तो सोचिए आपको जो है वो एक अच्छा जीवन नहीं मिलेगा, यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इस प्रकार का पानी जो है वो यहाँ पर सप्लाई किया जा रहा है। और अब देखिए कि मोहल्ले के लोग अब परेशान हो चुके हैं, जहाँ पे सड़कों पर ये उतर चुके हैं। इनसे बातचीत करते हैं, सर कितना समय हो चुका है ये पानी आपको गंदा पानी ये सप्लाई किया जा रहा है, नाले के पानी से भी कम नहीं है पानी। हम 2 साल से परेशान हो रहे हैं, हमने कई बार कंप्लेने भी ली, एक्शन के पास भी गए और ये इनका जेई है उसके पास भी 3-4 बोलो, वो कहते हैं हम देख रहे हैं फॉल्ट, अभी फॉल्ट मिला नहीं। तो फॉल्ट है कि मैं जब भी जाता हूं तो यही कहते हैं कि बंदे गए हैं देखने के लिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आती 6 महीने हो गए हैं अभी तक इनको फॉल्ट नहीं मिल सका, अभी तक नहीं मिला है। मैं कह रहे हैं कि इसके लिए हमने पाइपें सेंक्शन की हुई हैं, वो कहाँ है पाइपें भाई लगाओ। 6 महीने से सिर्फ पाइपें सेंक्शन की है और अभी तक लगाई नहीं लगा है। मैं LG साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, म्यूनसिपल कमिश्नर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ के जो एक्स अमित कुमार जी हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये फौरन इसको मसले को हल किया जाए, क्योंकि लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चों को डायरिया हो रहा है। पीएचसी डिपार्टमेंट के अधिकारी से बातचीत की, जिम्मेवार है, अगर कल को कोई ऐसी वैसी बात हो गई उसके लिए पीएचसी डिपार्टमेंट जिम्मेदार होगा, क्योंकि इतनी लोगों की हालत खराब हो रही है। स्किन की वो प्रॉब्लम है कि मैं कह नहीं सकता, इस स्किन की वजह से लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं। मैं आपको एक महिला दिखाना चाहूंगी, जहाँ पर आप आइए जरा, ये महिला देखिए, इनकी इस पानी की वजह से जो है वो स्किन खराब हो चुकी है। देखिए कितने सारे इनके जो है ये स्किन पर ये दाने, आप देखिए किस प्रकार से, ये दाने भी नहीं कहा जा सकते, इसे क्या कहते हैं, देखिए किस प्रकार से जो है वो स्किन पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, और केवल पानी के कारण जो है वो खराब हुई है, पानी के कारण खराब हुई। हाँ जी। हॉस्पिटल में 3 दिन भर्ती आई है। क्या बोला डॉक्टर ने कि क्या हुआ है आपकी स्किन को? इन्फेक्शन हो गई है, पानी इन्फेक्शन हो गई है पानी की वजह। हाँ जी, पानी से। कितने दिन रहे हॉस्पिटल में आप? 3 दिन भर्ती रहे मैं। 3 दिन हॉस्पिटल में। देखिए पानी यहाँ पर सप्लाई, कितना गंदा पानी जो है वो यहाँ पर सप्लाई किया जा रहा है, और बेहद परेशान है ये बुजुर्ग महिला भी, अब हार चुकी है और सड़कों पर उतर चुकी है कि बस अब तो बस कर दीजिए, अब तो पीएचसी डिपार्टमेंट आंखें खोलिए कि आप पानी यहाँ पर क्या दे रहे हैं। आंटी क्या ये क्या पानी है? आंटी नलके का पानी है, गंदा पानी है, पूरा मोहल्ला भी परेशान है, मैं खुद भी परेशान हूँ। क्यों? मैं मंदिर में रहती हूँ, पूजा पाठ भी करती हूँ, ये इसे के कहाँ से इतना पानी थोड़ा थोड़ा लेके मैं उधर से मंदिर से आती हूँ तो बड़े मुश्किल से पहुँचती हूँ। मेरी उम्र थोड़ी है मैं पानी ढोने की, जब मैं कहाँ बर्तन उठाऊंगी, कहाँ कुछ कर, अब रोते रोते आती हूँ तो रोते रोते आके माँ रानी की सेवा करती हूँ। ये कितना गंदा पानी है, ये भगवान को चढ़ाने वाला पानी थोड़ा है। एक वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगी, आप देखिए ये वीडियो आप देखिए कि इस पर जो है पानी आप देखिए, और अगर आपको कुछ नजर आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जिन्होंने ये वीडियो बनाई है उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए ये पानी जो है वो भेद, इस वीडियो में कुछ नजर आ रहा है, क्या है इस वीडियो में? ये मैम ये आप खुद ही देख सकते हो, ये मतलब कि जो लेटरिंग है ये मैम, ये पानी जब आया था मैंने जैसे मोटर ऑन करी है तो सबसे पहले मैंने सोचा थोड़ा पानी वेस्ट करते हैं कि शायद साफ हो जाए, जैसे ही नीचे टब लगाया हुआ था और उसमें जैसे मैंने देखा, फिर मैंने एक वीडियो बनाई कि एक्चुअली मैं ये वीडियो बना के दिखा सकूं कि एक्चुअली हमें मिल क्या रहा है,
हम लोग इंसान हैं, हमें पानी पीने के लिए चाहिए। ये तो जानवर भी पानी पीने पी नहीं सकते जो हमें पानी मिल रहा है। जितनी ही गंदगी मेडिकल हॉस्पिटल की है, टीवी हॉस्पिटल की है, जितना सिटी का गंदा पानी है जो नाले में आता है वो हमें मिल रहा है। हम लोग बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे मैम? ये पानी हर एक जरूरी चीज है। आप खाना नहीं दो चलेगा? पानी सुबह चाहिए, शाम को चाहिए, हर टाइम पानी चाहिए। इंसान पानी पीने के, हम ये पानी पी कैसे सकते हैं मैम? यहाँ से हम अगर मुंह भी धोते हमें इन्फेक्शन हो रही है। आपने वीडियो देखा कि वीडियो में क्या कुछ जो है वो नजर आया, और इन्होंने अपने शब्दों में भी कहा है कि वीडियो में क्या कुछ, और सोचिए कि किस प्रकार का पानी यहाँ पर सप्लाई किया जा रहा है, और इनका आपका जो सहारा है पानी पीने का वो क्या सहारा है? ट्यूबवेल रह चुका है। देखिए मैम, हमारे यहाँ तीन ट्यूबवेल है, एक कॉलेज में है पिछली ग्राउंड में, और एक यहाँ पर है, एक वो पास ही है। मैं PHE वालों एक्शन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर नहीं होता तो हमें यहाँ से सप्लाई दी जाए। मोहल्ले को यहाँ से दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं? हमारी आज 2 साल से प्रॉब्लम चल रही है, तो फिलहाल टेम्परेरी, अगर जब तक वो नहीं होता तब तक इस PHE जो ट्यूबवेल है वहां से सप्लाई दी जाए, ताकि हमारा तो मसला हल हो सके। हमें खाना बनाने के लिए मुश्किल हो रहा है। ये हैंडपंप भी यहाँ पे लगा, इसमें पानी आता है? ये हैंडपंप 2 साल से खराब पड़ा है, 2 साल से खराब, और हमने अपने खुद पैसों से कई बार इसको ठीक करवाया, लेकिन उसमें भी गंदा पानी है क्योंकि साथ में ये नाला बह रहा है। अब नाले का पानी जो वही नीचे जाता है वही सप्लाई आ रही ना इसमें। चाहे तो एक साइड में होता तो चलो पानी साफ होता, लेकिन ये नाला भी पी जा रहा है, और उसका जो नीचे टैम है वही पानी जाएगा नाले का। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी अभी 14 ईयर्स है। 14 साल की? जी जी। ये गंदा पानी क्या है? ये गंदा पानी ये आ रहा है? ये 6 महीने हो गए तब से आ रहा है। कभी पानी कैसे, कौन सा पानी पीते हो? हम ट्यूबवेल चलाते हैं, पापा आते हैं फिर लेके आते हैं। ट्यूबवेल भी दूर है यहाँ से, इतना 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 भारी उठा के घर तक लेके जाना पड़ता है, और जब ये घर में पानी आता है वाला तो इसकी स्मेल इतनी है, जब इसे मुंह नहीं धोया जाता, इससे नहाया नहीं जाता, फिर जब पापा वहाँ से पानी लेके जाते हैं फिर नहाते हैं जाके, फिर ऐसे। PHE डिपार्टमेंट के अधिकारी से बातचीत की, आपने क्या कहा उन्होंने? देखिए मैम, सबसे पहले मैं आपको JK अपडेट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता कि वो हमारे कंसर्न इस मसले को सुनने के लिए आए। सबसे पहले तो मैम देखिए, जो पानी वो एक बेसिक नीड होता है, ठीक है जी। पानी आप भी खाने के बिना रह सकता है, लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकता। तो मैम ये जो प्रॉब्लम है ये ऑलमोस्ट 6 मंथ से रेगुलर चल रही है। हम रेगुलर जो है JE के पास, एक्शन के पास, कंसर्न जो हमारे एक्शन है JE हैं, हम उनके पास रेगुलर टच में हैं। बट डिस्पाइट ऑफ बीइंग कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय जो है वो रेगुलर हमसे वही एक ही चीज़ के लिए बोलते हैं कि हमने इस चीज़ का एस्टिमेट दिया हुआ है, पाइप्स का एस्टिमेट दिया हुआ है, पाइप्स लग रही हैं मैम। लेकिन पाइप्स लगने का ठीक है, आप एस्टिमेट दीजिए, बट फॉर द टाइमिंग जो हमारी जो मेन बेसिक नीड है, आप हमारे जो कंसर्न ट्यूब है, हाँ ट्यूबवेल बने हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, आप उसकी तरफ से हमें कनेक्शन दे दी, ताकि जो कि लोगों की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। देखिए मैम, इससे जो एक पानी की जो गंदा पानी है, इससे ना तो आदमी नहा सकता है, ना ही आदमी कपड़े धो सकता है, और एक में देखिए मैम, सबसे पहले सुबह उठ के इंसान भगवान की पूजा करता है, जो अपनी मूर्ति वगैरह धोता है। अब ये हमारे मोहल्ले की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, तो जो वो साथ में बैठ के जी सुबह मूर्ति पूजन करते हैं, तो मैम इस गंदे पानी से थोड़ी होगा, डायरिया डिजीज हो रहे हैं लोगों को, स्किन इन्फेक्शन हो रही हैं। तो मैम मैं तो कंसर्न अधिकारियों से यही कहना चाहता हूँ कि इस प्रॉब्लम का जल्द से जल्द मसला हल किया जाए, और हमारी जो बेसिक नीड है पानी को वो ये देखिए, ये छोटा बच्चा अब ये पानी लेने यहाँ से जा रहा है। बेटा कहाँ जा रहे हो आप? मैं ट्यूबवेल पानी भरने जा रहा हूँ। ट्यूबवेल पानी भरने जा रहे हो? पानी नहीं आया घर पे आज? नहीं आया। वो पानी साफ है जो घर पे आता है आपके? नहीं, गंदा है। गंदा पानी है? कितना गंदा पानी है, नाले के पानी की तरह है? यस। उसकी जब आपने स्मेल ली तो वो कैसी स्मेल दे रहा था? वो नाले के पानी की तरह स्मेल दे रहा। अब आपको यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है? यस। स्कूल कब जाते हो फिर? कल जाना है मेरे को। कल जाना है स्कूल, तो सुबह शाम यही ड्यूटी लगती है यहाँ से वहाँ पानी करने की? देखिए कितनी परेशानी इस मोहल्ले के स्थानीय लोगों को देखनी पड़ रही है, क्योंकि ये पानी आप देखिए, जो एक बेसिक नेसेसिटी है, जो एक नीड है, एक जरूरत है पानी, और उसी पानी को यहाँ पर जो है वो सप्लाई नहीं किया जा रहा है, यानी कि गंदा पानी यहाँ पर जो है वो सप्लाई किया जा रहा है। तो यही PHE डिपार्टमेंट के अधिकारियों से निवेदन रहेगी कि अब तो आंखें खोलिए, जो टाल मटोल आप कर रहे हैं, पिछले 6 महीने से यहाँ पर लोग बीमार हो चुके हैं, डॉक्टर के वो चक्कर लगा चुके हैं, अस्पताल वो जा चुके हैं, किसी को स्किन बीमारी हो रही है, किसी को कुछ बीमारी हो रही है, और देखिए कितना गंदा है, और देखिए वीडियो भी हमने आपको दिखाई, और इन्होंने अपने शब्दों में भी कहा है कि उस वीडियो में क्या कुछ नजर आया, और ये पानी आप देखिए, ये पानी पीने का, आखिरकार PHE डिपार्टमेंट के अधिकारी से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ये पानी पीने का पानी है? आप खुद देखिए, अगर आप यहाँ पर आ रही हैं तो जरूर घर जरूर जाइएगा इनका, और एक गिलास ये पानी जरूर पीजिएगा।
एक बोतल लेके जाइएगा और रोज सुबह शाम दिन को एक गिलास पानी जरूर पीजिएगा, तब आपको जबके समझ आएगी कि ये पानी जो आप यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं, जो पानी यहाँ पर दे रहे हैं, लोगों को कितनी दिक्कत, स्थानीय लोगों को कितनी परेशानी जो है वो आ रही है। जी सर, क्या बोल रहे थे? मैम देखिए, अब तो लोगों ने हमारे घर में आना भी बंद कर दिया। देखिए पानी जो है मैम, पानी जो बेसिक नीड होती है, अगर कोई भी घर में आ जाए सबसे पहले आप पानी के लिए पूछते हैं। तो मैम जब पानी घर में गंदा है तो हमने क्या पूछना है? अब तो गर्मी आ रही है मैम, गर्मी का सीजन है, मोस्ट नेसेसिटी पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो मैम अगर इस टाइम पे हमें पानी की सप्लाई नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? और मैं तो इमीडिएट आपको जो कंसर्न जो पीएचई डिपार्टमेंट है उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो सबसे पहले तो ये हमारा जो मेन जो हैंडपंप है इसको ठीक किया जाए, रिपेयर किया जाए, ताकि जो लोगों की जो जरूरतें हैं उनको पूरा किया जाए। देखिए पानी जो है इतना गंदा आता है, जो अभी आपके साथ एक कंसर्न महिला ने बताया कि जो हॉस्पिटल का टीवी हॉस्पिटल का जो पानी जो थ्रू आउट है वो इसी नाले के थ्रू आता है। तो मैम जो पानी की जो पाइप ब्रेकेज हुई है वहीं से हुई है। हम तो बार बार उस पीएचई के वालों के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ हमने रिपेयर कर दिया, रिपेयर कर दिया, लेकिन उसके बावजूद जो है पानी रेगुलर उसी पाइप के थ्रू हमारे घर के नलकों में सप्लाई आ रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम एक ही निवेदन करेंगे कि पीएचई डिपार्टमेंट के अधिकारी अब तो जाग जाइए, क्योंकि पानी जो आप यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं वो बेहद गंदा पानी है। इसकी स्मेल हमने जब ली तो नाले के पानी से कम नहीं था, बेहद ही गंदा पानी है। अब तो जाग जाइए, यहाँ के मोहल्ले के जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग यहाँ पर है, बेहद परेशान है, 6 महीने से परेशान है, अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं, डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे आप देखिए यहाँ से अपने घर से जो है वो ट्यूबवेल जा रहे हैं, गैनल लेकर ट्यूबवेल जा रहे हैं, बोतल लेकर जो है वो ट्यूबवेल जा रहे हैं, ताकि उनको पीने का पानी जो है वो साफ मिल सके। कुछ एक उपाय, एक शॉर्टकट होता है, वो तो निकालिए, ताकि यहाँ के मोहल्ले के जो स्थानीय लोग यहाँ पर है इस मोहल्ले में, उन्हें एक सांस तो मिल सके, उन्हें संतुष्टि तो हो सके। अब तो पीएचई डिपार्टमेंट आंखें तो खोलिए और यहाँ आकर जरा चेक कीजिए कि आखिरकार किस प्रकार का पानी जो है आप यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापक के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।